हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग टुडे वी डिवाइज चैप्टर नंबर थर्ड ऑफ इंग्लिश एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज माय फैमिली आज हम चैप्टर थर्ड का रिवीजन करेंगे एक बार हम इसे अच्छे से पढ़ चुके हैं बट वी अगेन डू रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर क्या है चैप्टर का नाम माय फैमिली मेरा परिवार इन दिस लेसन अ बॉय एंड अ गर्ल आर टेलिंग अबाउट देयर फैमिली इस लेसन में ये बॉय और गर्ल है जो अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं कि उनका नाम क्या है उनके फैमिली मेम्बर्स का नाम क्या है एंड वो लोग क्या काम करते हैं ठीक है लेट्स रीड द लेसन ये है गगन क्या बोलता है कि मैं लड़का हूँ मैं सिक्स ईयर्स का ओल्ड हूँ मैं क्लास वन में पढ़ता हूँ मुझे गाइड्स पसंद है और मैं स्कूल जाता हूँ बस से ये कौन है मानवीय है ये बोल रही है आई एम अ गर्ल मैं लड़की हूँ मुझे बुक्स पसंद है और मुझे खेलना पसंद है टॉयज के साथ में वी बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर हम दोनों भाई और बहन हैं फादर मदर एंड चिल्ड्रन मेक अ फैमिली पिता माता और बच्चे मिलकर एक क्या बनाते हैं परिवार बनाते हैं इन तीनों से मिलकर क्या बनता है परिवार शी इज अ मदर ये कौन है मम्मी है मदर है शी इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर अस ये हमारे लिए खाना बना रही हैं ही इज माई फादर ये मेरे पिताजी हैं ही वर्क इन अ बैंक ये बैंक में काम करते हैं ही इज कमिंग आउट ऑफ द हाउस फॉर द ऑफिस ये घर से बाहर निकल रहे हैं ऑफिस जाने के लिए शी इज़ माय आंट शी इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर ये मेरी आंटी है ये न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं ये मेरे अंकल हैं ये बाइसिकल को मतलब साइकिल को वॉश कर रहे हैं धो रहे हैं ये कौन है ग्रैंड फादर है दादाजी हैं ये हमें वॉक करने के लिए पार्क में लेके जाते हैं ये कौन है दादी जी हैं ग्रैंड मदर हैं शी इज़ वॉटरिंग द प्लांट्स ये क्या कर रही है पौधों को पानी दे रही है और ये हमें स्टोरीज भी सुनाती हैं ठीक है ये उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में इंट्रो दिया है दादा दादी चाचा चाची और मम्मी पापा और खुद के बारे में ओके नाउ इट्स टाइम टू रीड वर्ड्स एंड मीनिंग्स प्रिपेयरिंग मतलब सेटअप मतलब प्रिपेयर मतलब करना क्या होता है तैयार करना ठीक है किसी भी चीज़ को बनाना या तैयार करना वर्क का मतलब होता है टू एक्ट समथिंग वर्क का मतलब काम मतलब कुछ भी करने की क्रिया न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर पेपर अ डेली पब्लिशिंग पेपर विथ न्यूज ऐसा रोज का अखबार या पेपर जिसमें न्यूज पब्लिश होती है रोज की ठीक है उसे क्या कहते हैं न्यूज पेपर वाटरिंग मतलब वेटिंग प्लांट विथ वाटर वाटरिंग करना मतलब वेटिंग मतलब गीला करना पौधों को किससे करना पानी से गीला करना ओके नाउ बुक एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस चॉइस क्वेश्चन टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट सही ऑप्शन पर आपको राइट right का मार्क करना है द नेम ऑफ द बॉय इज बॉय का नेम क्या है गगन नेम ऑफ गर्ल इज गर्ल का नेम क्या है मानवी फादर मदर एंड चिल्ड्रन मैग्स अ फैमिली माता पिता और बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं एक परिवार बनाते हैं फैमिली बनाते हैं देखिए बी टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस रॉन्ग फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट सही के ऊपर सही का निशान लगाएंगे और गलत स्टेटमेंट पर गलत का निशान लगाएंगे हेलो आई एम गगन आई एम अ गर्ल हेलो मैं गगन हूँ और मैं एक लड़की हूँ गगन कौन होगा बॉय होगा सो दिस इज रॉन्ग मदर इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर अस मदर माता मम्मी हमारे लिए खाना बना रही है नहा रहे हैं नहीं रॉन्ग पापा क्या कर रहे हैं है? ऑफिस है? जा रहे हैं सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट अंकल इज वॉशिंग इज बाइसिकल अंकल उनकी कार बाइसिकल धो रहे हैं येस इट इज राइट नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड इफ बॉक्स में आपको वर्ड्स ये हुए हैं इनको देखते हुए आपको ब्लैक्स को फिल करना है ही डैश इन अस इन बैंक She is reading a newspaper. Grandfather will go with us for a walk in the park. Grandmother is watering the plants. आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। डिस्क्राइबिंग वर्ड इस ब्रैकेट में से सिलेक्ट करके देखिए। It is a soft sofa. सोफा कैसा होता है? सॉफ्ट। तो यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट किया? सॉफ्ट। This is a cozy basket. ये बास्केट कैसी बहुत कोजी है। The sleepy cat goes home. कैसी कैट गई घर पे? स्लीपी।

वैन से कार से जिसे भी जाते हैं आपको यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट वॉट डज योर फादर डू आपके पापा क्या काम करते हैं बिजनेस मैन है या ऑफिस वर्क करते हैं या जो भी आपके पापा काम करते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है व्हाट डज योर मदर डू आपकी मम्मा क्या करती है हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ या वर्किंग वुमेन है तो वो लिखना है आपको आंसर में ओके नाउ स्टूडेंट रिवाइज दिस चैप्टर अगेन लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज ऑल्सो थैंक यू